आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के पिथौरपुर में बहरामी से लेखपाल व उनकी पत्नी की हत्या पर उनके घर पर पहुंचे केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के आजमगढ़ जिले के पदाधिकारी एवं हिंदू युवा वाहिनी के तरवा ब्लॉक के पदाधिकारी। आइए सुनते हैं डबल मर्डर पर केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारी और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। एक रिपोर्ट। आप अपना नाम बताएं। रविंद्र कुमार, मैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली जिला महासचिव हूं और मैं आज पिथौरपुर में अत्यंत ही दुखद घटना जो हुई है, लेखपाल साहब की जो हत्या कर दी गई है और उनकी बीवी की, उनके घर हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं और प्रशासन से और शासन से हमारी ये गुहार है, हमारी ये जो है विनती है कि बहुत जल्द से जल्द दोषियों को जो है पकड़ कर सामने किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा दी जाए, सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को जैसा कि आर्थिक सहायता और परिवार में जो भी नौकरी जो भी लायक हैं उस योग्य नौकरी दी जाए। आप केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन से हैं और आपके साथ काफ़ी पदाधिकारी आए हुए हैं मौके पे, तो ये हम मान लें कि ऐसे कि अगर न्याय में लेट होता है या न्याय मिलने की दशा में आप कौन सा कदम उठा सकते हैं या फिर इनके न्याय के लिए आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग जो है कि ये हमारा केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन जो है ये पीड़ित परिवार के हमेशा साथ रहेगा। यदि शासन प्रशासन द्वारा थोड़ा सा भी विलम्ब या कुछ इस तरह की दुर्व्यवहार होता है तो हम लोग आजमगढ़ तक आईजी डीआईजी या और डीएम साहब तक जा सकते हैं और जाएंगे। अगर इस तरह की थोड़ी भी लापरवाही होती है तो हम लोग जाकर पूर्णतया उनसे आश्वासन जो है कि हासिल करेंगे क्या होगा इस मैटर में। आप अपना नाम बताएं। पंडित राजकुमार शर्मा, हिंदू वाहिनी तरवा ब्लॉक संयोजक आजमगढ़। जैसा कि ये जो हत्या हुई है और आप उनके घर पे आए हुए हैं परिवार के साथ अपने दुख के घड़ी को बिताने के लिए उनके साथ, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे इस परिवार से यही कहेंगे कि पहले तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं उस दिवंगत आत्मा को जो है शांति मिले और सरकार से हम लोग यही गुहार लगाएंगे कि इस परिवार को कम से कम आर्थिक मदद, बच्चे उस लायक हैं तो कम से कम पिता के जगह पर उनको नौकरी और जो मुलजिम है, हकीकत का जो मुलजिम है उसको प्रशासन पकड़े और उसको जो है दंडित करे और इस परिवार के साथ जो है न्याय मिले। आप हिंदू वाहिनी संगठन से हैं और आपके संरक्षक माननीय योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन की दृष्टि को देखते हुए? हम यही कहेंगे कि ये लोग शासन की मदद करें, सपोर्ट करें उनका और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे संरक्षक भी हैं प्रेजेंट में आज मुख्यमंत्री हैं तो इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेट हो सकता है लेकिन न्याय इनको पक्का मिलेगा। आप लोग इस चीज़ को लेकर कहाँ तक जा सकते हैं इनको न्याय दिलाने के लिए? ये हम लोग बाबा तक इस बात को पहुँचाएंगे कि हमारे क्षेत्र में तरवा ब्लॉक मेहनगर विधानसभा 352 में जो है कि पिथौरपुर में रामनगीना राम की जो एक निर्मम हत्या की गई दोनों प्राणी की, जो कि यहाँ के लोगों के अनुसार उनका अगल बगल किसी से कोई मनमुटाव या रंजिश नहीं था, इसके बाद भी उस व्यक्ति की हत्या हुई है, जो कि प्रशासन इस पर लगा हुआ है, जो कि इस परिवार से ही पता चला कि एसडीएम साहब बोले कि मैं 24 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ूंगा, 24 घंटे नहीं 48 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक मुलजिम नहीं मिला, फिर भी प्रशासन चारों तरफ फैला हुआ है। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन बहुत जल्द से जल्द
मुलजिम को सामने ला के रख देगा और इस परिवार को न्याय मिलेगा।